हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। कैसे लगे भाई आपको क्वेश्चन? आई थिंक आप लोग याद कर रहे होंगे, इसी सीरीज में आप इन क्वेश्चन को लाइटली न लें बिल्कुल भी। आपको किसी भी चैनल पे आप देख लें, अगर इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए तो मुझे बता देना कमेंट में कि इस चैनल पे ये क्वेश्चन थे, मुझे जरूर बताना। ठीक, यू विल नॉट फाइंड दिस सॉर्ट ऑफ यूनिक क्वेश्चंस। आई एम नॉट मेकिंग टॉल क्लेम्स। ठीक, इसलिए आप लोग देखते रहे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पिक कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर वन, तिबेतन होम थ्योरी, तिबेतन होम थ्योरी ऑफ आर्यंस वॉज गिवन बाय। ठीक, हिंदी में क्या है भाई? हिंदी में यह है कि आर्यों का तिब्बत मूल निवास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? माने हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी कि दैट जो आपके क्या कहते हैं, ये लोग थे आर्यंस थे, जो आर्य लोग थे भारत में, ये तिब्बत से आए थे। माने किसने कहा था कि आर्यों का जो मूल निवास है, आर्यों का जो नेटिव प्लेस है, वो आपका तिब्बत है? यह है क्वेश्चन का जो थीम या सार है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा आपके? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने कहा था ये? स्वामी दयानंद सरस्वती, जो अभी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया होगा इनके बारे में। ठीक, तो इन्होंने कहा था कि जो भारत में जो आर्य लोग आए हुए हैं, इनका जो मूल निवास था, इनका जो नेटिव प्लेस था, वो आपके तिब्बत था। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल किसने कहा? उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल, या जिसे कहा जाता आपके आर्कटिक प्रदेश, किसने कहा था कि भाई ये आर्य लोग यहां से आए थे, आर्कटिक रीजन से आए थे? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक। ये किसने कहा था आपके? बाल गंगाधर तिलक ने। ये जो आर्कटिक थ्योरी दी थी, ये तिलक ने दी थी। तिब्बत थ्योरी किसने दी आपके? तिब्बत थ्योरी दी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एक आती सेंट्रल एशियन थ्योरी, सेंट्रल एशिया से किसने कहा था भाई ये सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया से आए थे इंडिया में? है सेंट्रल एशिया, या जिसे कहा जाता है मध्य एशिया से आए थे, तो ये कहा था जर्मन स्कॉलर मैक्स मूलर ने। ठीक, जर्मन स्कॉलर मैक्स म्यूलर के द्वारा। तो ये कई बार आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। तो ये सारी जो हैं आपके आर्यों के आगमन से रिलेटेड थ्योरीज हैं कि भाई इंडिया में ये कहाँ कहाँ से आए। जैसे दयानंद जी ने कहा कि भाई ये तिब्बत से आए, आपके क्या कहते हैं तिलक ने कहा कि ये आपके क्या कहते हैं नॉर्थ पोल से आए, आर्कटिक रीजन से आए, जबकि जो मैक्स मूलर जो जर्मन स्कॉलर था, जर्मन विद्वान था, उसने कहा था कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि ये जो आर्य लोग हैं भारत में, सबसे पहले कहाँ पर आकर बसे, कौन सी जगह थी वो? ठीक, तो ये जिसे हम लोग आजकल पंजाब बोलते हैं, लेकिन इसको ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता था? ऋग्वेद में इट वॉज नॉन एज सप्त सैंधव। ऋग्वेद में इसे कहा जाता है सप्त सैंधव, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। तो दिस वॉज द इनिशियल प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ आर्यंस इन इंडिया। ठीक, क्वेश्चन ये आपका, मैंने इसके लगभग सारे जो डायमेंशंस हैं वो एड्रेस करने की कोशिश कर ली है, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर टू है आपके सूफी सूफी सेंट सूफी सेंट ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन
मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? दरगाह को दरगाह ही बोलेंगे इंग्लिश में, ध्यान रखें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इनकी दरगाह कहां पर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यह है आपके अजमेर शरीफ में, यह है आपके अजमेर शरीफ में, अजमेर, अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ। कहां है अजमेर? यस, वेयर इज अजमेर? राजस्थान में। इसे कहा जाता है हार्ट ऑफ राजस्थान। क्या बोला जाता है अजमेर को? हार्ट ऑफ राजस्थान, हार्ट ऑफ राजस्थान अजमेर को कहा जाता है। किसने दिया था राजस्थान शब्द? क्वेश्चन आता हु डिड क्वाइन द टर्म राजस्थान? इसका तो पुराना नाम राजपूताना था, ठीक, राजस्थान का तो पुराना नाम राजपूताना था। सॉरी, किसने दिया इसका नाम? ये कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने ये राजस्थान नाम दिया था, ब्रिटिशर था ये, जिसने जो है ये राजस्थान शब्द दिया था। और ये जो मॉडर्न राजस्थान है कब सेटअप हुआ? 30 मार्च 1949। राजस्थान की स्थापना कब होती? 30 मार्च 1949। राजस्थान की स्थापना होती 30 मार्च 1949। ओल्ड नेम था इसका राजपूताना, द टर्म राजस्थान गिवन बाय कर्नल जेम्स टॉड। एक क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन राजस्थान में कब हुआ? फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस दैट वाज हेल्ड इन राजस्थान। राजस्थान में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ? तो दैट वाज इन 1948 जयपुर। जयपुर में हुआ ये, राजस्थान में पहली बार जो कांग्रेस का सेशन हुआ जयपुर में हुआ 1948 में। कौन थे इसके अध्यक्ष? अगेन वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, आई कैन से वेरी डाइसी क्वेश्चन। पट्टाभी सीतारमैया, ठीक, तो ये इसके अध्यक्ष है पट्टाभी सीतारमैया, जयपुर सेशन जो 1948 में हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर थ्री है भाई आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। बड़ा अच्छा सवाल, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया? स्व आत्मसम्मान जिसे कहा जाता है, आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया ईवी रामास्वामी, ईवी रामास्वामी, रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया ये 1884 में। कहां पे किया गया? मद्रास में, ये मद्रास में किया गया आपके। देखो सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये था कि जो दलित वगैरह थे उनको मतलब मंदिरों वगैरह में एंट्री वगैरह से रिलेटेड था। जैसे बी आर अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने भी दलितों के लिए टेंपल एंट्री मूवमेंट चलाया था। मैंने कभी बताया होगा टेंपल एंट्री मूवमेंट बी आर अम्बेडकर ने जो चलाया था, नहीं? इन्होंने भी क्या किया था? दलितों के लिए काम किया था कि भाई मंदिरों में उनको प्रवेश दिया जाए 1927 में। स्पेशली जिस जाति से वो आते थे, महार कास्ट से आते थे अम्बेडकर, तो उसके लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया था। तो इसी तरह का मूवमेंट जो है ये साउथ इंडिया में हो चुका था पहले, जो कि अंबेडकर ने कब चलाया? 1927 में, ठीक।
इस तरह से आपको जीएस में क्वेश्चंस को लिंक करना है. जीएस इज अ टोटल गेम ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ द फैक्ट्स. जो आपने पिछला पढ़ा है वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है. यहां पे क्वेश्चन नंबर 4, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ? मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ? ठीक, तो मदर टेरेसा का जन्म हुआ आपके 25 अगस्त 1910 को. ठीक, क्वेश्चन आता है कि मदर टेरेसा कहां पैदा हुई थी? वेयर शी वॉज बॉर्न. तो मदर टेरेसा पैदा हुई थी स्कॉपजे. कौन से देश की कैपिटल है आजकल? मैसिडोनिया है कैपिटल ऑफ, ये स्कॉपजे है कैपिटल है, ये दिस इज कैपिटल ऑफ दिस कंट्री मैसिडोनिया. तो मदर टेरेसा का जन्म स्थान है स्कॉपजे मैसिडोनिया. लेकिन हमारे पेपर में क्वेश्चन क्या आता है यहां पे कि मदर टेरेसा 1929 में जब भारत आई थी, सी केम टू इंडिया, वो इंडिया आई आपके. मदर टेरेसा 1929 में आई एज ए नन, नन के रूप में आई वो. ठीक, तो सवाल आता है कि वो कौन सी कंट्री से आई थी. तो तब ये कंट्री मतलब एग्जिस्ट नहीं करता था. ये जो कंट्री रहा, इट वॉज अ पार्ट ऑफ अल्बेनिया. तो ये आपको ध्यान रखना है कि मदर टेरेसा किस देश से भारत आई थी 1929 में एट द एज ऑफ 19. सी केम फ्रॉम अल्बेनिया. तो आपको ये करंट में तो ठीक है, स्कॉपजे इसकी कैपिटल है आज की डेट में, लेकिन तब जो ये स्कॉपजे मैसिडोनिया रहा होगा, इट वॉज अ पार्ट ऑफ अल्बेनिया. ठीक, क्या विशेषता अल्बेनिया की? कैन यू से व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अल्बेनिया नाउअडेज? यूरोप का सबसे गरीब देश है. क्वेश्चन आता है कि यूरोप का सबसे पुअरेस्ट कंट्री कौन सा है? तो यह है अल्बेनिया, और इसकी जो कैपिटल है दैट इज टिराना. टिराना इज द कैपिटल ऑफ अल्बेनिया. ठीक, सबसे गरीब देश है. जैसे आपके एशिया में भूटान है, उसी तरह से यूरोप में कौन सा कंट्री है? अल्बेनिया, जहां से मदर टेरेसा आई थी. यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, द टाउन ऑफ शांति निकेतन, शांति निकेतन वॉज सेटअप बाय मतलब जो आपका शांति निकेतन शहर है, इसकी स्थापना किसने की थी? और अभी न्यूज में भी था ये, ठीक, यूनेस्को के हेरिटेज साइट में इसको जगह दी गई, 42वां हेरिटेज साइट है ये. ये इसकी स्थापना होती 1901 में बाय आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी. शांति निकेतन जो है ये वेस्ट बंगाल में नियर कोलकाता, और यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है ये शांति निकेतन. अभी 42वीं हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को. ठीक, यूनेस्को की क्या है ये 42वां विरासत स्थल भी है, ये इंडिया का लेटेस्ट है. और एक चीज आपको और याद रखनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाई थी 1921 में. क्या नाम था उसका? व्हाट वाज द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी सेट अप बाय आर एन टैगोर एट शांति निकेतन? विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921. कई बार क्वेश्चन आता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? विश्व भारती यूनिवर्सिटी.
किस तरह की यूनिवर्सिटी है ये? इट इज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी नाउअडेज। कौन होता है इसका चांसलर? ओनली यूनिवर्सिटी जिसका चांसलर इज पीएम, पीएम मोदी। ये भी प्रश्न आता है कि पीएम मोदी कौन सी एकमात्र यूनिवर्सिटी के चांसलर है इंडिया में। ठीक, तो यह है आपके विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन सेटअप बाय आरएन टैगोर इन 1921। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सिक्स। हिंदू महासभा, हिंदू महासभा एंड गंगा महासभा, गंगा महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हिंदू महासभा तो कई बार पढ़ा होगा हम लोगों ने, लेकिन गंगा महासभा थोड़ा ऐड हो गया उसके पीछे, तो देयर शुड बी नो सरप्राइज एट ऑल, सब फेमिलियर चीजें हैं ये। तो ये 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ठीक, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। कौन कौन से अखबार निकाले पंडित जी ने? यस, विच न्यूज पेपर्स वर पब्लिश बाय पंडित मदन मोहन मालवीय? कौन कौन से न्यूज पेपर निकाले इन्होंने? लीडर, लीडर, और एक आजकल आपने देखा होगा हिंदी का जो अखबार है हिंदुस्तान, तो ये 1936 में निकाला था पंडित जी ने। क्वेश्चन नंबर सेवन। स्वराज का, स्वराज्य का, स्वराज्य का उद्देश्य सर्वप्रथम, सर्वप्रथम किसने रखा? मैंने क्वेश्चन क्या है, हु ब्रॉट द प्रपोजल ऑफ स्वराज्य बिफोर द ब्रिटिशर्स? अंग्रेजों के सामने जो है स्वराज्य, और जिसे कहा जाता आपके स्वराज्य और सेल्फ रूल, तो इसका जो आइडिया है, इसका जो विचार है, वो सर्वप्रथम किसने दिया, माने किसने आवाज उठाई थी? जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने। कहां पे उठाई थी? 1905 के बनारस, बनारस कांग्रेस अधिवेशन में, बनारस कांग्रेस सेशन में। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो स्वराज्य सेल्फ रूल की जो डिमांड है वो भारत में किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और वो कहां पे की थी? बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस में की थी, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे ये जो गोखले साहब थे, ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस। बनारस अधिवेशन की इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी, उस बिहाफ पे इन्होंने उठाई थी। क्वेश्चन नंबर एट। हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज इन बनारस, इन बनारस वॉज सेटअप बाय, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? देखो ये थोड़ा जो हिंदू कॉलेज के वो हैं, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लगता है मेरे को। ठीक, अभी बताऊंगा मैं आपको ट्रिकी क्यों है ये। तो ये एक्चुअली यहाँ पे जो हिंदू कॉलेज और बनारस की बात कर रहा है, यहाँ पे ये कर रहा संस्कृत कॉलेज है ये, एक्चुअली दिस इज संस्कृत कॉलेज। क्या है ये? संस्कृत कॉलेज है ये, बनारस में जो आपका संस्कृत कॉलेज है उसकी बात कर रहा है। तो इसकी स्थापना होती है 1791 में बाय जोनाथन डंकन। ठीक,
जोनाथन डंकन के द्वारा। तो हिंदू कॉलेज इन बनारस, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज इन बनारस और संस्कृत कॉलेज इन बनारस वो सेटअप बाय जोनाथन डंकन इन 1791। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा आपका इस तरह से हो जाए, सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस, सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस, ठीक, तो तब क्या होगा इसका आंसर, 1898 एनी बेसेंट, ठीक, तब क्या होगा इसका आंसर, एनी बेसेंट होगा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस। यही क्वेश्चन इस तरह से अगर ट्विस्ट हो जाए थोड़ा, हिंदू कॉलेज इन कैलकटा, देख रहे हैं आप कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कि हिंदू कॉलेज पे, हिंदू कॉलेज इन कैलकटा, ये किसके द्वारा सेटअप किया गया, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, अगर आप वीडियो ढंग से देखते होंगे तो, ये 1817 में राजा राम मोहन रॉय, फिर वही आ गए राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय एंड डेविड हेयर, ये अंग्रेज था यहाँ पे, इनका जो कलीग था, ठीक, देख रहे हैं इस तरह से क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, हिंदू कॉलेज इन बनारस और संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस, सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस एंड हिंदू कॉलेज इन कैलकटा, सारी वैरायटी जो भी है हिंदू कॉलेज की, दैट आई हैव पुट बिफोर यू। बाकी आपको पता ही है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कब इसकी स्थापना, 1916 में, 1916। एक इसका क्वेश्चन आता है कि इसके पहले VC कौन थे, इसके पहले वाइस चांसलर, तो ये थे सुंदर लाल, तो ये फाउंडर भी थे और ये फर्स्ट VC भी थे। चांसलर वही होगा आपके, चांसलर कौन होगा, हुआ द चांसलर कौन था उस समय वाइसराय इंडिया का 1916 में, 1916 में चांसलर कौन था, तो ये था आपके लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ठीक, जो कि 1910 से लेके 16 के बीच था। वाइसराय आप देख सकते हैं ल्यूसेंट में दे रखा है, दैट इज गिवन इन आई कैन से वेरी सिंपल स्टाइल, तो आप उसको वाइसराय का चैप्टर वहां से भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो अगला सवाल आ रहा है, बहुत ही यूनिक बोलूंगा मैं इससे, मेरे को तो यूनिक लगा, पता नहीं आपको लगता नहीं लगता, आई डोंट नो द टेस्ट ऑफ यू पीपल, लेकिन मेरे को बड़ा यूनिक लगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9, सरदार भगत सिंह के गुरु कौन थे, बेहतरीन क्वेश्चन, सरदार भगत सिंह के गुरु, अब हम लोग तो यही सोचते थे कि भाई ये अपने गुरु खुद ही रहे होंगे, लेकिन इनके भी एक गुरु थे, हुआ द गुरु ऑफ सरदार भगत सिंह, तो ये थे आपके सरदार करतार सिंह सराभा, सरदार करतार सिंह सराभा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सरदार करतार सिंह सराभा कौन सी संस्था की स्थापना की भगत सिंह ने, यस, कौन कौन सी संस्थाओं से जुड़े हुए थे ये भगत सिंह, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, सेटअप इन 1924, एंड वन मोर संस्था, नौजवान सभा, ठीक,
नौजवान सभा की स्थापना इन्होंने कब की, 1926 में। क्या नाम है इनकी बुक का, सरदार भगत सिंह की। यस, व्हाट वाज द सोलो बुक रिटन बाय सरदार भगत सिंह, व्हाई आई एम एन एथिस्ट। कई बार एक बुक आती है आपके पेपर में कि मैं एक नास्तिक क्यों हूं, इस सरदार भगत सिंह की बुक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बार्ड ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, बार्ड ऑफ बंगाल क्या होता है, बार्ड का मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्ड। एक क्वेश्चन आता है इसी तरह का, बार्ड ऑफ एवन किसे कहा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्ड, बार्ड ऑफ बंगाल, बार्ड ऑफ एवन। बार्ड का मतलब होता है बहुत सिंपल है, पोइट, जिसे कहा जाता है आपके कवि। ये कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, ठीक, बार्ड ऑफ बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर। इसी तरह मैंने दूसरा लिखा हुआ है बार्ड ऑफ एवन, किसे कहा जाता है, ये विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है बार्ड ऑफ एवन। किसे कहा जाता है, इंडियन शेक्सपियर। क्वेश्चन आता है भारत का शेक्सपियर, हु इज कॉल्ड द इंडियन शेक्सपियर, इंडियन कालिदास। तो कालिदास जो संस्कृत के महान पोइट हुए, राइटर बोलूंगा मैं, पोइट तो नहीं बोलूंगा, राइटर थे ये, सारी तरह की बुक्स लिखी इन्होंने, तो इन्हें कहा जाता है इंडियन शेक्सपियर। तो ये थे भाई आपके क्वेश्चन, आई होप आपको यूजफुल नजर आएंगे, और देखते रहें इन क्वेश्चंस को, और अपने फ्रेंड सर्कल में इनको शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।